अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, अमेरिका यानी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, अमेरिका यानी दुनिया का वो चौधरी जो दुनिया के बारे में कई अहम निर्णय लेता है, और अमेरिका यानी विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र। अमेरिका का लोकतंत्र कैसा है, किस तरीके से चलता है, उसके नियम कानून क्या है, आज हमारे साथ जानिए एक मुद्दा दस बातें। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, तो वहीं अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। करीब 200 साल पहले सन 1804 में यहां चुनाव की शुरुआत हुई। पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज ही करता था, लेकिन तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। उस समय जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वह राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता था। यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं। भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी 2 सदन होते हैं। पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है, इसके सदस्यों की संख्या 435 है। दूसरे सदन सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका के 51वें राज्य कोलंबिया से 3 सदस्य आते हैं। इस तरह संसद में कुल 538 सदस्य होते हैं। अमेरिकी लोकतंत्र में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए त्रिशंकु संसद का खतरा भी नहीं होता। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट यहाँ 2 प्रमुख पार्टियां हैं। अन्य दलों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार यह प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जन्म अमेरिका में ही हुआ हो और वह 14 साल से देश में रह रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति को अंग्रेजी भाषा आना भी आवश्यक है। राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टर्स करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत हासिल करना आवश्यक होता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव की प्रक्रिया भारत के मुकाबले काफी पेचीदा और लंबी होती है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था है। हालांकि अमेरिकी संविधान निर्माताओं का एक वर्ग इस पक्ष में था कि संसद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिले, जबकि दूसरा धड़ा सीधे वोटिंग के जरिए चुनाव के हक में था। इलेक्टोरल कॉलेज को इन दोनों धड़ों की अपेक्षाओं के बीच की ही एक कड़ी माना गया है। राष्ट्रपति चुनाव के पहले राजनीतिक दल अपने स्तर पर दल का प्रतिनिधि चुनते हैं। प्राथमिक चुनाव में चुने गए पार्टी के प्रतिनिधि दूसरे दौर में राजनीतिक दल का हिस्सा बनते हैं और अपनी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि कुछ राज्यों में जनता प्राइमरी दौर में मतदान का इस्तेमाल न करके कॉकस के जरिए पार्टी प्रतिनिधि का चुनाव करती है। कॉकस में पार्टी के सदस्य जमा होते हैं। स्कूलों, घरों या फिर सार्वजनिक स्थलों पर उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की जाती है। वहां मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन करते हैं। वहीं प्राइमरी में मतपत्र के जरिए मतदान होता है। हर राज्य के नियमों के हिसाब से अलग अलग तरह से प्राइमरी होती है और कॉकस प्रक्रिया भी हर राज्य के कानून के हिसाब से अलग अलग ही होती है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया आयोवा और न्यू हैम्पशायर से शुरू होती है। दोनों ही छोटे राज्य हैं, मगर यहाँ की आबादी में 94% लोग गोरे हैं, जबकि पूरे अमेरिका में गोरी आबादी 77% है। यहाँ सबसे पहले कॉकस या प्राइमरी होता है। इन दो राज्यों में मिली जीत आगे की चुनावी मुहिम पर खासा असर डालती है। हालांकि यहाँ की जीत का अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्याशी को पार्टी की उम्मीदवारी मिल ही जाएगी, लेकिन आयोवा और न्यू हैम्पशायर की जीत मीडिया कवरेज दिलाने में जरूर मददगार होती है। अमेरिका में चुनाव के लिए दिन और महीना बिल्कुल तय होता है। अमेरिका में चुनावी साल के नवंबर महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार के बाद पड़ने वाले पहले मंगलवार को मतदान होता है। हालांकि यहां 60 दिन पहले वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस अवधि में अमेरिका से बाहर रहने वाला व्यक्ति भी ऑनलाइन वोट डाल सकता है। अमेरिका में मंत्रिमंडल बनाने की प्रक्रिया भारत से बिल्कुल ही अलग है। वहाँ मंत्री बनने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वह संसद का सदस्य हो, ना ही उसके लिए राजनीतिक दल का सदस्य होना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति को लगता है तो वह विरोधी पार्टी के सदस्य अथवा किसी विशेष विशेषज्ञ को भी मंत्री बना सकता है। तो हमने देखा कि अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है वो संविधान, वो कानून जिसके तहत अमेरिका
इतने पुराने और इतने बड़े लोकतंत्र के रूप में सुचारू रूप से संचालित होता है। अमेरिकी लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस खुलेपन को उन्होंने अपनाया है, जिस व्यवस्था को उन्होंने अपनाया है, हर अमेरिकी नागरिक उसका तहदिल से सम्मान करता है। जब आप अमेरिका जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि पश्चिम के नाम पर जो कुछ आप पश्चिमी सभ्यता की विकृतियों को देखते हैं, दरअसल वो अमेरिका नहीं है। अमेरिका मतलब एक ऐसा अनुशासित राष्ट्र है जो अपनी व्यवस्थाओं कानूनों का सम्मान करना जानता है। यही अमेरिकी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है, खूबी भी है।